हेलो मेरे प्यारे गेमिंग के दीवानों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और अनदर गेम में। वीडियो में आप सभी का वेलकम है। और गाइस, आज अपन करने वाले हैं सबसे हार्ड चैलेंज, जिसको भाई करने में सभी यूट्यूबर्स लगभग फेल हो गए थे। लेकिन आपको तो पता ही है, मैं हमेशा चैलेंजेस से भागने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि चैलेंजेस हुए तो जीतूंगा तो मैं ही। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। फटाफट से हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारे आज के इस चैलेंज को हम स्टार्ट करेंगे एक और खतरनाक चैलेंज के साथ। ओ भैंस की टांग। अबे भाई ये क्या हो गया। मैंने सोचा था मस्त एंट्री मारूंगा पैराशूट से बिल्डिंग से नीचे कूद के, लेकिन भाई इसने हमारी बेइज्जती करवा दी। लेकिन आपको तो पता ही है भाई, अपन छोटे मोटे चैलेंज का कंप्लीट करते हैं, बिल्डिंग को वगैरह से कूदना छोटे मोटे काम हो गए, अपन सीधा भाई ट्रेन को रोकेंगे। All right guys, तो अभी हमें कैप्टन अमेरिका की बाइक तो मिली गई है, तो अभी फटाफट से इसको भगाते हैं और चलते हैं भाई ट्रेन की पटरी पर, जहाँ पर भाई अपनी ट्रेन आती है और हम लिटरली वहां पर जाके उसको रोकने वाले हैं। लेकिन भाई एक सेकंड, मैं यहाँ पर फिल्म सिटी में कहाँ घुस गया भाई। फटाफट से यहाँ पर बाहर चलते हैं, और पहले मेरे को मैप में देखना पड़ेगा कि भाई GD5 की ट्रेन आखिर आती का है। A few moments later. और अभी मैं बातचीत करते करते आ गया हूँ भाई पहाड़ की साइड, और यहाँ पर मेरे को सड़क तो दिख रही है लेकिन भाई रेड वाली पटरी नहीं दिख रही है। मेरे को लगता है भाई ऑफ रोडिंग वाला रास्ता चुनना पड़ेगा। एक सेकंड, सामने पहाड़ दिख रहा है तो इसके ऊपर ही चलते हैं। ओ भाई एक सेकंड, यहाँ पर ये बंदी घने जंगल में क्या कर रही है भाई अकेली, वो भी एक सेकंड। ये बंदा है या बंदी, मेरे को चेक करने दो भाई पहले तो। रुको आंटी जी। ओ भाई आंटी है भाई, इसकी घर में जाके आराम करने की उम्र है। यहाँ पर ट्रैकिंग कर रही है वो भी अकेली। भाई यहाँ पर कोई बंदा आ जाए, यहाँ पर तेरे से गन तान ले, फिर क्या करेगी तू। नोटी उड़ा के। लेकिन अभी भी मेरे को रेलवे ट्रैक नहीं दिखा भाई, तो मेरे को लगता है भाई बाइक से तो नहीं दिखने वाला भाई रेलवे ट्रैक। थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, और पहले तो गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं, कहीं पता नहीं मिल जाए। ओ भाई गाड़ी फुल स्पीड में नहीं चला सकते भाई, जंगल में तो बिल्कुल नहीं चला सकते। ऑलराइट, तो अभी ऐसा करते हैं अपन लेते हैं भाई अपनी हेलीकॉप्टर को, और देखते हैं हेलीकॉप्टर क्या कमाल कर पाता है। एंड हेलीकॉप्टर तभी आएगा जब आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, और जैसे ही आप इस वीडियो को लाइक करोगे अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पर फटाफट से आ जाएगा। और भाई माइकल को देखो कैसे उतर रहा है भाई, आराम से माइकल चचा आराम से। ऑलराइट, माइकल अपना नीचे आ चुका है और हेलमेट अपना यहाँ पर गिर चुका है, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड अपना हेलीकॉप्टर आएगा। 3, 2, 1 2000 years later. All right guys, तो 4 साल की खोजबीन के बाद फाइनली हमें मिल चुका है भाई GD5 का रेलवे ट्रैक। मतलब मैं इसको कब से खोज रहा हूँ भाई, 4 सालों से, अब जाके मेरे को मिला है। लेकिन भाई अभी सिर्फ रेलवे ट्रैक ही मिला है, इस पे ट्रेन फिर भी बाकी है भाई। एक सेकंड, ये क्या सीन है भाई, GD5 में ट्रेन वगैरह है नहीं, या फिर मेरे से डर के भाग गई है सब कुछ, मेरे से डर के भाग गई है सब। क्या बोला तूने? All right, तो अभी हमें ट्रैक तो मिल चुका है, अभी आई होप हमको ट्रेन भी यहाँ पर मिल जाए। और मैं यहाँ पर नीचे क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं सीधा ट्रेन के ऊपर अटैक करने वाला हूँ, और भाई ट्रेन की ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, बस एक बार मेरे को ट्रेन दिख जाए। लेकिन ट्रेन भाई आसानी से दिखने तो नहीं वाली है मेरे को, ऐसा करते हैं भाई अपन वेट करते हैं भाई। चलो चलो चलो, राइट, तो मैंने अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करवा दिया है, और अभी अपन वेट करने वाले हैं यहाँ पर। ओ भाई आगे आगे ट्रेन आ गई, अबे अबे वो खड़ा हो भाई, ये मरेगा कि मरेगा भाई, मैंने गलती कर दी। चलो चलो चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर भाई, ट्रेन हेलीकॉप्टर को ना उड़ा दे। एक सेकंड, चल 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 चल, आराम से भाई आराम से, ये भाई ये मरेगी, ये खुद ही पहले खंबे में जाके टकरेगी भाई, ये खुद, ये मैंने क्या कर दिया। आराम से भाई, मैं रेलवे ट्रैक को फेल करने आया था, ऐसा लग रहा है खुद फेल होके जाऊंगा भाई। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने ले लिया है खतरनाक वाली सुपर बाइक, और भाई मेरी ट्रेन पक्का छूट गई है भाई, ट्रेन काफी आगे निकल, नहीं भाई ट्रेन दिख रही है, ट्रेन दिख रही है, ऑलराइट ट्रेन दिख रही है। हेलीकॉप्टर से तो वैसे भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन अपना माइकल अकेला ही काफी है भाई ट्रेन को रोकने के लिए। अपन को क्या करना है, जैसे कि भाई अपन फिल्मों में देखते हैं, एक सेकंड, अपन सीधा भाई ट्रेन के ऊपर लैंडिंग करेंगे, वो भी ऐसे पहाड़ के ऊपर से जंप मार के। अबे चलना भाई, ओ एक सेकंड भाई, मैं फुल फिल्मी सीन करूंगा, फुल फिल्मी सीन करने वाला हूँ। एक सेकंड भाई, प्रॉपर जंप मारने वाला हूँ, चल 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 लैंड हो जा। ओके भैंस की टांग आगे निकल गई बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। निकलता है यहाँ पर, मैं और हिरन की प्रॉपर रेसिंग हो रही है, और भाई हिरन मेरे से आगे कैसे जा रही है, चल तेरी भैंस की टांग। और अभी मैं वापस से लैंडिंग करने वाला हूँ सीधा ट्रेन के ऊपर, और क्या ही शानदार लैंडिंग होने वाली है। 3, 2, 1 और ये
ओके लैंड हो जा भाई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओके भैंस की यार, ये ट्रेन को क्या हो गया भाई, ये रुकी नहीं रही है भाई। रुको, मेरे को लगता है हैवी वाला, सबसे पहले तो मेरे को ट्रेन पे ऊपर चढ़ा दो भाई। ऑल राइट भाई, अभी मैं अपना मस्त ट्रेन के ऊपर तो चढ़ चुका हूँ और अभी भाई ट्रेन की खैर नहीं भाई। इतने देर से तो अपन मैं ट्रेन को चेस कर रहा था, तो मेरे को सारी बहुत दिक्कत आ रही थी और अभी भाई मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ चुका हूँ तो काफी ज्यादा मेरे को दिक्कत आने वाली है। और सबसे पहले तो भाई मैं स्टिक वो मेरे सारे खत्म कर देता हूँ, जो भी है भाई आडूगढ़ यहाँ पर लगाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि भाई क्या सीन रहता है, स्टिक बम से कुछ फर्क पड़ता भी है या फिर नहीं। एक सेकंड, एक ही जगह पे लगा के देखता है। यहाँ पर मैंने भाई 4 से 5 स्टिक बम लगा दिया है, अभी देखते हैं भाई यहाँ पर कुछ फर्क पड़ता है या फिर नहीं। भाई लिटरली इसको खरोच तक नहीं आई है, मतलब माइकल को जरूर खरोच आई है यहाँ पर सिर पे, लेकिन भाई ट्रेन को एक खरोच तक नहीं आई है। और वहां पर पीछे वो भाई मून को देखो यार, कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार। देख सकते ये पत्थर कहाँ पर पीछे आ गया, आराम से देखो, मैं आगे चल के दिखाता हूँ। वो देखो भाई मून का क्या ही शानदार व्यू लग रहा है। और भाई रात में तो लॉस सैंटोस काफी बढ़िया लग रहा है, और मेरे को नहीं पता ये ट्रेन कहाँ पर जाके रुकेगी, लेकिन आज मैं इसको जरूर रोकूंगा। A few moments later. All right guys, तो अभी रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है और मैं फाइनली लेके आ गया हूँ अपने डॉक्टर कुटकुटिया के पास से उनकी खतरनाक वाली हाईली मॉडिफाइड व्हीकल, मतलब ये जो 3 पहिया वाहन है भाई, इसको तुम टक्कर नहीं दे सकते भाई, नहीं तो ये कार है ना ही ये गाड़ी है, लेकिन भाई ये सब पे भारी पड़ने वाली है क्योंकि इस पे लगे हुए भाई स्पेशल वेपन्स। वो भाई क्यों ये अटैक किया था। All right guys, तो अभी मैं अटैक करने वाला हूँ इस ट्रेन पे डॉक्टर गुटगुटिया की खतरनाक वाली कार से। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि भाई 3 पहियों वाली ना ही बाइक है ना ही कार है, ये क्या भेलपुरी की हुई है, लेकिन भाई आपको पता नहीं है इसके पावर। एक मैं आपको इसकी पावर का नमूना दिखाता हूँ, क्योंकि इस पे लगे हुए स्पेशल वेपन्स, थोड़ी ये कंट्रोल में दिक्कत आती है लेकिन अभी आप कमाल देखोगे। यहाँ पर सामने ट्रेन जा रही है और अभी मैं इस पे अटैक करने वाला हूँ अपने सुपर लेजर्स। भाई लिटरली इसमें लेजर्स लगे हुए हैं। Later that same evening. All right guys, तो finally अपन जैसे तैसे करके आ गए भाई ट्रेन के अंदर, क्योंकि भाई मैं ट्रेन का कब से पीछे कर रहा हूँ, कब से भाई रास्ता भटका रहा हूँ, तो अभी अपन खुद ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और अभी अपन अटैक करने वाले भाई ट्रेन के ऊपर। सबसे पहले तो भाई मैं इसकी आगे अटैक करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर खतरनाक वाले लेजर डाल दिए है। और एक सेकंड भाई, अभी आप तबाही देखना, अभी कुछ हुआ नहीं। All right. भाई मैं कब से इसके ऊपर लेजर डाल रहा हूँ लेकिन इसको ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। ऑल राइट भाई, मैंने यहाँ पर पीछे लेजर मारना स्टार्ट कर दिया है और भाई वो भैंस की टांग इतनी ज्यादा तबाही तो किसी ने देखी नहीं होगी जितनी मैंने आज कर दी है भाई। चलो 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 चलो, ओ भाई अभी भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा लिटरली भाई। यहाँ पर मैंने इतनी ज्यादा गोलाबारी की है कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन भाई इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा सी क्रैक आ रही है भाई। मेरे को नहीं चलना इस ट्रेन में, ट्रेन से बाहर चलते हैं भाई, मैं इसको गाड़ी नहीं लेनी मेरे को ये तो। The next day. All right guys, तो अभी यहाँ पर मैंने ट्रेन को रोकने के लिए यहाँ पर रेलवे ट्रैक पे 2 बढ़िया एम्बुलेंस खड़ी कर दी है, क्योंकि भाई ट्रेन एम्बुलेंस को देख के तो रुकी जाएगी या फिर इसके वेट से रुक जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 एम्बुलेंस तो यहाँ पर रख दी है, देखते भाई ट्रेन इसको पार कर पाती है या फिर नहीं। और मैं अगर ये इसको भी पार नहीं कर पाई तो अपन लेवल इंक्रीज करता रहेंगे या फिर इसके ज्यादा। एक सेकंड भाई, देखते हैं पहले क्या होता है। ओ अबे भैंस की टांग, ये क्या हुआ, इसने तो भाई 2 एम्बुलेंस को तो ऐसे चुटकियों में भाई साइड कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। All right guys, तो अभी यहाँ पर मैंने रेलवे ट्रैक पे भाई SUV का पूरा ढेर लगा दिया। मेरे को खुद को नहीं पता भाई कितनी SUVs है, लेकिन भाई मेरे को इतना कॉन्फिडेंस जरूर है कि आपकी बार तो भाई ट्रेन रुकने वाली है, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। और अभी मेरे को खुद को भी नहीं पता भाई ट्रेन कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है या फिर यहाँ से आ रही है। नहीं वो भाई ट्रेन आ चुकी है, देखते हैं भाई रोक पाते या फिर नहीं। और भाई ट्रेन ढेर के अंदर से गुजरी, ये क्या भाई, ये ट्रेन में कितनी पावर है यार, ये भल्लाल देव की बैंड लगती है मेरे को तो। कहां से आते हैं भाई, लिटरली मैंने यहाँ पर SUVs का ढेर लगाया था। मैंने यहाँ पर कितनी ज्यादा SUVs खड़ी की है, वहाँ पर पूरा पीछे ढेर लगा हुआ है,
लेकिन भाई इतनी एसयूवी भाई ट्रेन को नहीं रोक पाई। ऐसा करते हैं वेट को बढ़ाते हैं, मतलब इससे भी ज्यादा हैवी चीज को ले। A few moments later. Right guys, तो जैसा कि आपको पता है पिछली बार भाई ट्रक इसको नहीं रोक पाए, तो अब की बार यहाँ पर मैंने लगभग SUVs का नहीं, ओ भाई वो मॉन्स्टर ट्रक भी भाई इसको नहीं रोक पा रहा है। यहाँ पर मैंने लिटरली मॉन्स्टर ट्रक का ढेर लगाया था, लेकिन भाई ये तो सारे मॉन्स्टर ट्रक को उड़ा के लेके जा रही है। और एक सेकंड भाई, दो मॉन्स्टर ट्रक तो इसके चिपट गए हैं भाई लिटरली, लेकिन भाई फिर भी ये ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसने सारे मॉन्स्टर ट्रक की ऐसी की तैसी करके निकल गई है भाई। फिर से भाई इसने ट्रक ये नहीं रोक पाई, एसयूवी इसको नहीं रोक पाई भाई। अब तो मॉन्स्टर ट्रक जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं वो भी इसको नहीं रोक पाए। अभी लगता है भाई इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे अपने घर जाना है। All right guys, तो अभी मैंने ट्रेन को रोकने के लिए सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए। यहाँ पर मैंने ट्रेन लगा दी, हेलीकॉप्टर लगा दिए, ट्रक लगा दिए, लेकिन कोई भी ट्रेन को रोक नहीं पाया। तो अभी भाई मैं अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र अपनाने वाला हूँ, ये नहीं कि यहाँ पर मैंने लिटरली एक बहुत ही बड़ा जहाज ला के खड़ा किया है ट्रेन को रोकने के लिए। तो देखते हैं कि भाई ये इतना बड़ा जहाज ट्रेन को रोक पाता है या फिर नहीं। और भाई ये लास्ट ऑप्शन है, अगर इससे भी नहीं हुआ तो भाई मैं हार मानने वाला हूँ, क्योंकि एक ट्रेन अगर एक जहाज को टक्कर मार सकती है फिर तो भाई क्या ही चीज के सामने खड़ी करूं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर अपनी ट्रेन आ चुकी है और भाई ट्रेन ने लिटरली जहाज को टक्कर मार दी है। ओपे भैंस की टांग, ये क्या हो रहा है भाई, अभी मैं हार मानने वाला हूँ। मतलब लिटरली ट्रेन ने जहाज को टक्कर मार दी और भाई इसको साइड में कर दिया है। हाँ इसको डैमेज कुछ नहीं आया है, लेकिन भाई इसने इसको भी साइड कर दिया है। भाई साहब ये ट्रेन कितनी ज्यादा पावरफुल है यार, मतलब मैं 2 दिनों से लगा पड़ा हूँ, पिछले वीडियो में मेरी शाम हो चुकी है और अब भाई फिर से ट्रेन ढलने को आया है, लेकिन ये ट्रेन भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ऑल राइट गाइस, तो 2 दिन से मैं इस ट्रेन के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन ये ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो भाई अभी मैं अपने पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन है इसके ड्राइवर को बुलाने का। भाई मैं सोच रहा हूँ तब से ट्रेन को कैसे रोकूं भाई, सीधा इसके ड्राइवर को निपटा दें, क्योंकि भाई ये जो इस आपको ये ड्राइवर दिख रहा है ना, ये भाई जितना आपको शांत दिख रहा है उतना शांत है नहीं। इससे भाई लिटरली इतनी ज्यादा गाड़ियां तबाह की है, इतने बंदों को निपटाया है। अभी मैं इसको छोड़ने वाला भाई, तेरी आखिरी इच्छा है तो भी मेरे को मत बताना, मेरा काम तमाम होने वाला है। लेकिन एक सेकंड भाई, ओ चलो भाई फाइनली मैंने ड्राइवर का तो काम निपटा ही दिया। भाई मैं सोचा था ये कहीं कांच बुलेट प्रूफ तो नहीं है, एक बात तो मेरे को डर लगने लग गया था। भाई तू खुद आत्महत्या क्यों कर रहा है। ऑल राइट गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन ट्रेन को तो रोक नहीं पाए, मतलब अपने जितनी ज्यादा कोशिश करनी थी सारी कोशिश कर ली, लेकिन भाई हल कामयाब नहीं। और अभी भी भाई माइकल मार ही खा रहा है, इससे कुछ ना होने वाला है ना होगा। ऑल राइट गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई ट्रेन का फॉर्मेट ही ऐसा कि ये रुके ही नहीं सकती। अपन इसको रोकेंगे जब अपना आयरन मैन सिटी में आ जाएगा, यानी आयरन मैन के सूट की मदद से इसका अपन इसको जरूर रोक पाएंगे। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अपन ने ड्राइवर को तो निपटा ही दिया था, तो उसके लिए लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।